मेरा नाम जुनैद नज़ीर है, मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ बेसिकली। मेरा ये प्रोटेस्ट आज का, मैंने इन ग्रेजुएट इंजीनियरों की भी साथ लाया, सिविल मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हैं। हम ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, जो ये इन्होंने पोस्ट रिसेंटली निकाले हैं नोटिफिकेशन नंबर 4 अंडर द प्राइम मिनिस्टर केज फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ द पंडित, इस नए भी इन्होंने क्रिएट किया है, उसकी कोई पॉलिसी अभी तक बनी नहीं है। इन्होंने 100 पोस्ट जेई सिविल के निकाले गए हैं, क्योंकि ये 300 साल के बाद इन्होंने पोस्ट निकाले। हमारा लिए कोई शेयर नहीं रखा सिविल इंजीनियरों के लिए, और खसूसी हम ऑटोमोबाइल इंजीनियर ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए आज तक 2000 से कोई पोस्ट निकला ही नहीं मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का, और इन अगर वो निकला है वो पंडितों के लिए, और जो इन्होंने पोस्ट निकाले हैं नए असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, देयर इज अ नो एसआरओ फॉर असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पोस्ट इन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, और इन्होंने सब मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पोस्ट निकाला विदाउट एनी पॉलिसी एनी क्राइटेरिया वो क्रिएट किया है, और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर आज तक 19 ही पोस्ट हुए हैं 2000 से पूरे जेएंडके में 22 डिस्ट्रिक्टों के लिए। तो इन्होंने 20 कैसे पंडितों को अलॉट किए हैं अगर 19 ही ऑलरेडी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो ये सरासर नाइंसाफी हम इंजीनियरों के लिए, क्योंकि हम मेयर डीलरशिपों में 4000 रुपए पे काम करते हैं, और हमारे एमटेक ग्रेजुएट अभी पॉलिटेक्निकों में जो नए पॉलिटेक्निक 200 रुपए पे जॉब करते, ये जुल्म है, इसका हमें जवाब चाहिए सरकार से। हम महबूबा जी से अपील करते हैं कि हमें कुछ इसका सोल्यूशन बताइए।